नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज रूम लाइव। मैं हूं आपके साथ अनन्या बेदी। तमाम बड़ी खबरों का रुख करेंगे, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से ट्वीट किया गया है, स्वतंत्र देव सिंह की तरफ से ट्वीट किया गया है। जनता जनार्दन का हार्दिक आभार स्वतंत्र देव सिंह की तरफ से कहा गया। बीजेपी कार्यकर्ताओं के परिश्रम से ये जीत मिली है। ट्वीट कर एक वीडियो जारी किया गया है स्वतंत्र देव सिंह की तरफ से। तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह की तरफ से ट्वीट किया गया, जनता का हार्दिक आभार, जनता के परिश्रम से ही ये जीत हमें हासिल हुई है। शानदार प्रदर्शन बीजेपी का, 524 सीटों पर बीजेपी जीत दर्ज कर चुकी है। तो इस शानदार जीत के बाद स्वतंत्र देव सिंह की तरफ से एक ट्वीट कर वीडियो जारी किया गया है। और क्या कुछ कहा है बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने, सुनिए। सभी को नमस्कार। हाल ही में हुए पंचायत चुनाव एवं ब्लॉक प्रमुखों के चुनाव में प्रदेश की जनता ने अपना अमूल्य आशीर्वाद भाजपा समर्थित प्रत्याशियों को दिया है। मैं पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते आप सभी का शीश झुकाकर आभार प्रकट करता हूं। यह विजय मोदी सरकार और योगी सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का प्रतिफल है। इन परिणामों से प्रदेश के विकास को एक नई गति मिलेगी। मैं भाजपा के परिश्रमी और कर्मठ कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करता जिन्होंने इन चुनाव में रात दिन परिश्रम की पराकाष्ठा को करके भाजपा को विजयी बनाने के लिए गांव-गांव मेहनत की है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप सभी परिश्रमी कर्ताओं के बल पर हम वर्ष 2022 की चुनौती को भी प्रचंड बहुमत के साथ जीतकर एक नया कीर्तिमान स्थापित करेंगे। आप सभी देवतुल्य कार्यकर्ता अपने कर्तव्य पथ पर बढ़ते हुए राष्ट्र के उत्थान में अपना योगदान देते रहें। मैं ईश्वर से ही कामना करता हूं। भारत माता की जय। वंदे मातरम। और एक और बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। ब्लॉक प्रमुख चुनाव में बीजेपी ने शानदार जीत दर्ज की है। 690 सीटों पर नतीजे सामने आ चुके हैं। 825 सीटों में से अब तक 690 के जो सीटों के नतीजे हैं वो सामने आ चुके हैं। 524 सीटों पर बीजेपी जीत दर्ज कर चुकी है। समाजवादी पार्टी को मिली है 68 सीटें। अन्य को ब्लॉक प्रमुख चुनाव में मिली है 95 सीटें। तो बेहद शानदार जीत, 825 सीटों में से अब तक 690 के नतीजे सामने आ चुके हैं और 524 सीटों पर बीजेपी जीत दर्ज कर चुकी है। तो 524 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की है। समाजवादी पार्टी को मिली है 68 सीटें। दिन भर लगातार हमने आपको हर बड़ी खबर से रूबरू कराया, हर बड़ा अपडेट आपको दिखाया, कहां पर बवाल हुआ, कहां पर गुंडागर्दी हुई, हर तस्वीर न्यूज वन इंडिया आपके लिए लेकर आया। और अब जो नतीजे सामने आ रहे हैं वो भी हम आपको दिखा रहे हैं और किस तरह से धीरे धीरे जो नतीजे हैं वो सामने आ रहे हैं। 690 सीटों के नतीजे अब तक सामने आ चुके हैं, जिनमें से 524 सीटों पर बीजेपी जीत दर्ज करा चुकी है। समाजवादी पार्टी की बात करें तो 68 सीटों पर समाजवादी पार्टी का कब्जा है। अन्य की बात करें तो 95 सीटें अन्य के खाते में गई हैं। अभी घर जा रहे हैं चक्कर में। क्या पड़े हो चक्कर में? अन्य को ब्लॉक प्रमुख चुनाव में 95 सीटें मिली हैं। ब्लॉक प्रमुख चुनाव में बीजेपी की शानदार जीत, 825 सीटों में से 690 सीटों पर नतीजे सामने आ चुके हैं। तो
आज ब्लॉक प्रमुख चुनाव में जमकर बवाल हुआ। प्रदेश के कई हिस्सों से ऐसी खबरें सामने आई जहां पर जमकर मारपीट हुई। सपा और बीजेपी के कार्यकर्ताओं में जमकर लाठी डंडे चले, लेकिन इन सब के बीच नामांकन वाले दिन भी कुछ इस तरह की तस्वीरें सामने आई थी जिन्होंने लोकतंत्र को शर्मसार करके रख दिया था। रिपोर्ट देखिए। ब्लॉक प्रमुख चुनाव के दौरान सूबे में लोकतंत्र की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। कई जगहों पर समर्थक एक दूसरे पर लात घूंसे बरसाते नजर आए। सबसे पहले आपको चंदौली की तस्वीर दिखाते हैं। चंदौली में फर्जी मतदान के आरोप को लेकर बीजेपी और सपा के समर्थक आपस में ही भिड़ गए और जमकर बवाल काटा। बाराबंकी में भी कुछ इसी तरह का नजारा देखने को मिला। जिले में बीजेपी ब्लॉक प्रमुख प्रत्याशी और पूर्व बीजेपी नेता आपस में ही भिड़ गए और जमकर बवाल काटा। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची और भीड़ को तितर बितर किया। हमीरपुर में भी लोकतंत्र शर्मसार हुआ। आरोप है कि जिले में वोट देने जा रहे सपा समर्थकों की गाड़ी पर लाठी डंडों से लैस बीजेपी समर्थकों ने जमकर हमला कर दिया। हमले में कई लोगों के घायल होने की खबर है। मौके पर मौजूद पुलिस ने बवाल काट रहे बीजेपी कार्यकर्ताओं को हल्का लाठी चार्ज कर खदेड़ दिया। कुछ जनपदों में विभिन्न कैंडिडेट्स के समर्थक के आमने सामने आ जाने से कहीं कहीं नारेबाजी की वारदात हुई है और उसको वहाँ पे उपलब्ध पुलिस बल द्वारा तत्काल रूप से हटाया गया है और कहीं से कोई हिंसा की सूचना अभी तक नहीं है। सूबे में बवाल का ये नजारा ब्लॉक प्रमुख के नामांकन के दौरान भी देखने को मिला था, लेकिन पुलिस फिर भी सचेत नहीं हुई। आज सिद्धार्थ नगर में एक बार फिर बवाल हुआ। जिले में वोट देने जा रहे बीडीसी सदस्य की जमकर पिटाई की गई। पिटाई का आरोप बीजेपी प्रत्याशी के समर्थकों पर है। नौगढ़ ब्लॉक के निर्दलीय प्रत्याशी ने आरोप लगाया कि प्रशासन ने कोई कार्यवाही नहीं की। यही हाल उन्नाव का रहा। उन्नाव के मियागंज ब्लॉक में दबंगों ने रास्ता रोककर बीडीसी सदस्यों की जमकर पिटाई कर दी, जबकि घटनास्थल से 50 मीटर की दूरी पर ही डीएम और एसपी थे। हालांकि कहने को तो सूबे में सारी व्यवस्थाएं ठीक थी, लेकिन ये कितनी ठीक रही ये तो तस्वीरें ही गवाही दे रही हैं। मुजफ्फरनगर में भी लोकतंत्र को कलंकित कर देने वाली तस्वीरें देखने को मिली। यहां ब्लॉक प्रमुख चुनाव में बीजेपी और विपक्ष में नोकझोंक हो गई। ये सारा विवाद बुढ़ाना के वोटिंग केंद्र पर जाने को लेकर हुआ। बाद में पुलिस ने हंगामा कर रहे विपक्ष के लोगों पर लाठियां भांजी और मतदान केंद्र से दूर भगाया। हंगामे की ये तस्वीरें कई और जिलों में भी देखने को मिली। समर्थकों में मारपीट और झड़प पूरे सूबे में शर्मसार कर रही है। सवाल ये है कि आखिर कब तक ऐसी घटनाओं को लेकर आंख बंद किए रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वन इंडिया। तो पूरी रिपोर्ट में हमने आपको दिखाया कि किस तरह से जगह जगह पर बवाल हुआ है, लेकिन और भी ऐसी जगह हैं जहां पर जमकर तोड़फोड़ हुई है, जमकर लाठी डंडे चले हैं। तमाम तस्वीरें आपको हम अलग अलग जिले से, अलग अलग शहरों से लेकर आए हैं। देखिए जरा किस तरह से बवाल आज मचा है मतदान के दौरान, और जब नतीजे सामने आ रहे थे कैसे तस्वीरें सामने आई हैं। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, बाराबंकी की ये तस्वीरें हैं। ब्लॉक प्रमुख चुनाव के दौरान उत्तर प्रदेश में कई और जिलों में भी जमकर मारपीट हुई है। बाराबंकी में वोटिंग के दौरान बीजेपी के नेता आपस में भिड़ गए, इससे हाईवे पर कई घंटों तक अफरा तफरी मची रही। तो ये तस्वीरें आप देखिए,
ये बाराबंकी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अब ये देखिए इटावा की तस्वीरें हैं। पुलिस और बीजेपी के कार्यकर्ताओं में भिड़ंत हो गई। पुलिस ने हालात को काबू में करने के लिए बीजेपी कार्यकर्ताओं पर आंसू गैस के गोले दागे हैं। तो ये तस्वीरें इटावा की हैं। इसके साथ ही कानपुर की तस्वीरें देखिए जरा। चौबेपुर ब्लॉक में सपा बीजेपी समर्थक आमने सामने आ गए और दोनों तरफ से जमकर नारेबाजी हुई। ये तस्वीर कानपुर की है। इसके साथ ही लखीमपुर खीरी की भी तस्वीर आपको दिखाएंगे। लखीमपुर खीरी में निघासन विधानसभा से बीजेपी विधायक शशांक वर्मा की गुंडई देखने को मिली है। विधायक शशांक वर्मा ने निघासन ब्लॉक से उम्मीदवार हरप्रीत कौर के पति अमनदीप को खुलेआम धमकाया। अगर हम पूरे प्रदेश की बात करें तो लगभग ये देखिए अमरोहा की तस्वीर जहां पर मतदान केंद्र के बाहर आपस में ही समर्थक भिड़ गए। जिले के ब्लॉक जोया में मामला बिगड़ता देख पुलिस ने जमकर लाठियां भांजी और लोगों को खदेड़ा। तो अब आपको प्रतापगढ़ की भी तस्वीरें दिखाएंगे जहां पर देखिए किस तरह से पुलिस ने बीच बचाव करने की कोशिश की। प्रतापगढ़ की तस्वीरें, सपा समर्थकों ने चुनाव में धांधली का आरोप लगाते हुए पुलिस टीम पर पथराव कर दिया। यहां एआरओ को ज्ञापन देने गए समर्थकों ने खूब बवाल काटा। पुलिस ने सपाइयों को रोकने के लिए हवाई फायरिंग भी की। अब तस्वीर आपको बलिया से दिखाएंगे। बलिया में भी ब्लॉक प्रमुख चुनाव में भारी बवाल हुआ है। जिले में वोटिंग के दौरान बीजेपी और सपा समर्थक एक दूसरे से भिड़ गए। बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह और पूर्व मंत्री नारद राय के समर्थक में जमकर भिड़ंत हुई। हंगामे के वक्त मौके पर ही दोनों नेता मौजूद थे। कानपुर के चौबेपुर ब्लॉक में सपा बीजेपी समर्थक आमने सामने आ गए। दोनों तरफ से जमकर नारेबाजी की गई। देखिए बलिया की ये तस्वीरें, आपस में समर्थक भिड़ गए। लगभग हर ब्लॉक से ऐसी ही तस्वीरें सामने आई जहां पर गुंडागर्दी की गई, मारपीट हुई। सपा और बीजेपी के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए। और खबर इटावा से इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं जहां पर एसपी सिटी का कबूलनामा सामने आया है। बीजेपी विधायक ने मुझे थप्पड़ मारा, प्रशांत कुमार ने कहा है। बीजेपी विधायक और जिला अध्यक्ष बम लेकर आए थे, यहां पुलिस बल की भी जान खतरे में है, ये प्रशांत कुमार ने कहा है। एसपी सिटी प्रशांत कुमार का कबूलनामा, बीजेपी विधायक ने मुझे थप्पड़ मारा, ये प्रशांत कुमार की तरफ से कहा गया। देखिए तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, फोन पर बात करते हुए नजर आ रहे हैं एसपी सिटी और क्या कुछ कह रहे हैं वो भी आपको दिखा रहे हैं। और वहीं योगी सरकार कल नई जनसंख्या नीति का ऐलान करेगी। इस नीति के तहत अगर देखा जाए तो जिन अभिभावकों के 2 से ज्यादा बच्चे हैं उनको काफी ज्यादा नुकसान होने वाला है। दरअसल इस नीति के तहत
जो तमाम सरकारी योजनाएं हैं उनका लाभ नहीं उठा पाएंगे ऐसे अभिभावक। इन सब के बीच विधि आयोग ने 19 जुलाई तक का समय दिया है और आम जनता से इस पर राय मांगी है। रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार 11 जुलाई को नई जनसंख्या नीति 2021-30 जारी करने जा रही है। चुनावी माहौल को देखते हुए अभी से ही सियासी माहौल गर्माने लगा है। राज्य विधि आयोग ने पॉलिसी को लेकर 19 जुलाई तक जनता से राय मांगी है। यूपी की नई जनसंख्या नीति की बात करें तो 2 से ज्यादा बच्चों के माता पिता सरकारी नौकरी का आवेदन नहीं कर पाएंगे, प्रमोशन का मौका भी नहीं मिल पाएगा, 77 सरकारी योजनाओं और अनुदान का लाभ नहीं मिलेगा, साथ ही स्थानीय निकाय चुनाव नहीं लड़ने समेत कई तरह के प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की गई है। इसके लागू होने पर 1 साल के अंदर सभी सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को शपथ पत्र देना होगा। इसके अलावा स्थानीय निकाय में चुने जनप्रतिनिधियों को शपथ पत्र देना पड़ेगा कि वो इसका उल्लंघन नहीं करेंगे। कानून लागू होते वक्त उनके 2 ही बच्चे हैं। शपथ पत्र देने के बाद अगर 3री संतान पैदा करते हैं तो प्रतिनिधि का निर्वाचन रद्द करने का प्रस्ताव है, साथ ही चुनाव नहीं लड़ने का प्रस्ताव भी देना होगा। वहीं सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों का प्रमोशन और बर्खास्त करने की सिफारिश की गई है। एक मसौदा तैयार किया गया है और मसौदा चूंकि जनहित के लिए हम ला रहे हैं तो जनता से इस पर सुझाव भी मांगा गया है। वो मसौदा जनता के बीच में लेकर विधि आयोग उत्तर प्रदेश का जा रहा है, फिर वो हमारे पास 19 के बाद जब सरकार के पास आएगा और अगर इस हमारी अच्छी पहल को जनता स्वीकार करेगी तो हम इस पर कानून जरूर लाएंगे, क्योंकि ये जनहित के लिए लाया जा रहा है, प्रदेश हित के लिए लाया जा रहा है, देश हित के लिए लाया जा रहा है। राज्य विधि आयोग के प्रस्ताव के मुताबिक 1 बच्चे की नीति अपनाने वाले माता पिता को कई तरह की सुविधाएं मिलेंगी। अगर परिवार के अभिभावक सरकारी नौकरी कर रहे हैं और नसबंदी कराते हैं तो उन्हें प्रमोशन, सरकारी आवासीय योजना में छूट जैसी कई सुविधाओं का लाभ मिलेगा। यदि कोई और उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं सुनिए। मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, हमारे प्रदेश के महामंत्री संगठन आदरणीय बंसल जी और प्रदेश के महामंत्री पंचायत का काम देख रहे आदरणीय जेपीएस राठौर जी, हमारे मीडिया के प्रभारी यहां पर उपस्थित हैं, आप सबका मैं हृदय की गहराइयों से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं आग्रह करूंगा माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी से कि इस अवसर पर जेपीएस जी माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी को पुष्पगुच्छ देंगे माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करने के लिए। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे। मैं आग्रह करूंगा आदरणीय जेपीएस राठौर जी से माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का स्वागत करने का कष्ट करें। आदरणीय जेपीएस राठौर जी, मैं आग्रह करूंगा जेपीएस राठौर जी से माननीय उप मुख्यमंत्री जी का स्वागत करने का कष्ट करें। माननीय बंसल जी का हम सब हृदय की गहराइयों से स्वागत अभिनंदन करते हैं। मैं इस अवसर पर आग्रह करूंगा अपने भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय स्वतंत्र जी से कि अपने प्रेस में उपस्थित सभी पत्रकार बंधु माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करते हुए विषय रखने का कष्ट करें। माननीय स्वतंत्र जी, लोकप्रिय मुख्यमंत्री परमादरणीय योगी आदित्यनाथ जी, हमारे उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, हमारे दूसरे उप मुख्यमंत्री डॉक्टर केशव प्रसाद जी दिल्ली में रहने के कारण नहीं आ पाए, हम सबके बीच में महामंत्री संगठन आदरणीय सुनील बंसल जी, श्री गोविंद शुक्ला जी, जेपीएस राठौर जी, ये जो जीत राज्य में मिली है आदरणीय मोदी जी की लोकप्रियता, उनकी जन कल्याणकारी योजना, राज्य के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का जन कल्याणकारी योजना, उनकी नीतियां गांव, गरीब, किसान, गांव के लोगों ने स्वीकार किया है। चुस्त दुरुस्त कानून व्यवस्था राज्य के अंदर, पहले की जो सरकारें थी और उस सरकार गुंडागर्दी और भ्रष्टाचार के कारण हटी थी,
आज आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में भ्रष्टाचार मुक्त राज्य और घर में बैठी बेटी भी कहती है कि राज्य में 12 बजे भी मैं किसी सड़क पर निकल सकता हूं, किसी गुंडे की हैसियत नहीं कि मुझे छेड़ दे। यदि किसी ने गलती कर दिया फिर वह बचता नहीं है, उसको जेल ही मिलता है और कानून का डंडा चलता है, यानी किसी गुंडे को माफ नहीं है योगी सरकार में। इसलिए राज्य के अंदर आदरणीय योगी जी की लोकप्रियता जो राज्य के अंदर है, गांव गरीब किसान झुग्गी झोपड़ी इंसान आदिवासी वनवासी का जो कल्याण हुआ है उसका परिणाम है कि राज्य के अंदर बहुमत से हम लोग और एक तरह कहा जाए बम्पर जीत भारतीय जनता पार्टी को मिली है। मैं हृदय से जन सामान्य लोगों को राज्य के सभी लोगों का हृदय से मैं शीश झुकाकर प्रणाम करता हूं, स्वागत करता हूं और राज्य के परिश्रमी कार्यकर्ताओं का कठिन परिश्रम जो परिश्रम की पराकाष्ठा की है ऐसे सभी कार्यकर्ताओं का हृदय से स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं। आदरणीय योगी जी का भी हृदय से वंदन स्वागत करता हूं। आदरणीय योगी जी से आग्रह करता हूं कि आगे की कार्रवाई शुरू करें। मित्रों, मैं आज की इस पीसी में आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में उनके प्रेरणा से जो मंत्र आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आज से 7 वर्ष पहले इस देश को सबका साथ सबके विकास के रूप में दिया था, पिछले 7 वर्षों के दौरान प्रदेश के अंदर और पिछले 4.25 वर्ष के दौरान प्रदेश सरकार के द्वारा गांव गरीब किसान नौजवान और समाज के प्रत्येक तबके के लिए जो योजनाएं बनाई गई, ईमानदारी पूर्वक बिना भेदभाव के समाज के प्रत्येक तबके तक उन योजनाओं को पहुंचाने का कार्य हुआ। केंद्रीय नेतृत्व के मार्गदर्शन में प्रदेश संगठन और सरकार ने मिलकर के जन जन तक उन योजनाओं को बिना भेदभाव के पहुंचाने का कार्य किया। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के परिणाम, उसके जीवंत उदाहरण है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव, आज क्षेत्र पंचायत के चुनाव परिणाम सामने आ रहे हैं। हम सब जानते हैं कि 26 मार्च को अधिसूचना जारी हुई थी और उसके बाद 4 चरणों में 15 अप्रैल, 19 अप्रैल, 26 अप्रैल और 29 अप्रैल को ये चुनाव संपन्न हुए थे, जिसमें ग्राम पंचायत के लिए 58,189 में से 58,176 पे चुनाव संपन्न हुए थे। क्षेत्र पंचायत के 75,852 में से 75,852 क्षेत्र पंचायत के चुनाव संपन्न हुए। ग्राम पंचायत सदस्य के 7,32,485 कुल सीटों में से सभी पर, यानी 7,32,485 पे चुनाव संपन्न हुए। क्षेत्र पंचायत प्रमुख के 826 में से 825 में आज चुनाव संपन्न हुए हैं, मतगणना अपने अंतिम चरणों में चल रही है। जिला पंचायत की 3,050 सीटों पर चुनाव संपन्न हुए थे, जिनमें से
75 जिला पंचायत अध्यक्षों का चुनाव अभी हाल ही में विगत सप्ताह संपन्न हुए हैं, यानी कुल 870,477 में से 870,463 ये चुनाव संपन्न हुए, जिसमें मेंबर चुने गए, ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत समिति के सदस्य, जिला पंचायत के सदस्य, आज प्रमुखों का चुनाव हुआ है, क्षेत्र पंचायत के प्रमुख का चुनाव हुआ है और इससे पहले जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव भी संपन्न हो चुके हैं। जनता का जो रुझान था वह भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में था और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि पार्टी की जो रणनीति थी जनप्रतिनिधियों कार्यकर्ताओं का संगठन की रणनीति के तहत जो कार्यक्रम आगे बढ़ा उसका परिणाम था कि 75 जिला पंचायत अध्यक्ष में से भारतीय जनता पार्टी ने 73 पर अपने प्रत्याशी खड़ा किए थे, 2 अपने सहयोगी दलों को दिए थे। 73 में से भारतीय जनता पार्टी 66 सीटों पर चुनाव जीती और 1 पर भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल अपना दल एस ने विजयी प्राप्त की। कुल 75 में से 67 सीटें भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दलों ने विजयी प्राप्त किया। क्षेत्र पंचायत के 825 क्षेत्र पंचायतों के लिए जो चुनाव संपन्न हुए हैं, जिनमें 75,852 सदस्यों ने भागीदार बनकर के चुनाव संपन्न किया और आज जिनमें से भारतीय जनता पार्टी ने 825 में से 735 पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशी खड़े किए थे, 14 अपने सहयोगी दलों को दिए थे, सहयोगी दल अपना दल एस को दिया था और 76 सीटें ऐसी थी जहां पर 2 प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के ही थे, यानी दोनों कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के ही लड़ रहे थे। तो वहां पे हम लोगों ने उसको फ्रेंडली, उसको पार्टी की तरफ से उन दोनों को ये स्वतंत्रता दी थी कि वे शांतिपूर्ण तरीके से यहां पर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन किसी भी प्रकार का कोई भी वहां पर हम लोग पार्टी नहीं बनेंगे, वे शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव को वहां पर लड़ेंगे। यानी कुल 90 सीटें ऐसी थी जो हम लोगों ने फ्री छोड़ी थी, 14 अपने सहयोगी दल के लिए और 76 उन कार्यकर्ताओं के लिए जहां पे 2 भारतीय जनता पार्टी के ही कार्यकर्ता अपनी तैयारी कर लिए थे और बाकी 735 पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशी समर्थित किए थे, उन्होंने समर्थन 735 प्रत्याशियों को भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश के अंदर अपना समर्थन दिया। आज जो परिणाम अभी तक सामने आए हैं और जो रुझान है उनमें भारतीय जनता पार्टी 635 सीटों पर अपने सहयोगी दलों के साथ और अपने उन सभी समर्थकों को लेकर के 635 से अधिक सीटों पर भारतीय जनता पार्टी क्षेत्र पंचायत प्रमुख के चुनाव में विजयी बन रही है और ये संख्या अभी पूरे परिणाम और पूरे रिजल्ट आने पर ये संख्या और बढ़ेगी। अगर आप देखेंगे पूरे सिनेरियो को, अगर आप देखेंगे लगभग 85% से अधिक सीटों पर भारतीय जनता पार्टी क्षेत्र पंचायत में और 85% से अधिक सीटों पर जिला पंचायत में भी भारतीय जनता पार्टी को समर्थन प्राप्त हुआ था। ये केंद्र और प्रदेश सरकार की नीतियों को संगठन के माध्यम से जन जन तक पहुंचाने का परिणाम है। मैं इसके लिए सबसे पहले इन सभी विजयी प्रत्याशियों को, हमारे 75 जिला पंचायत के अध्यक्ष बने, 825 क्षेत्र पंचायत के प्रमुख बनेंगे, इससे पहले भारतीय जनता पार्टी
और अन्य सभी दलों ने अपने समर्थन से जिला पंचायत के चुनाव, क्षेत्र पंचायत के चुनाव अभी संपन्न हुए हैं, लेकिन उससे पहले ग्राम प्रधान के 58,176 सीटों पर परिणाम आए, ग्राम प्रधान बने। क्षेत्र पंचायत के 75,852 सीटों के परिणाम आए, वहां पर इतने सदस्य बने। और फिर ग्राम पंचायत के 7,32,485 सदस्य ग्राम पंचायत समिति के चुने गए, 8,70,463 कुल सदस्यों का चयन हुआ या इसके अध्यक्ष बने, इन सब का चयन हुआ है। बहुत बड़ी चुनाव की प्रक्रिया थी इस, यानी दुनिया के लोकतंत्र के सबसे बड़े चुनाव के रूप में आप इसको देख सकते हैं। इतनी बड़ी संख्या में लोग लगते हैं, मैं उसके बारे में बाद में चर्चा करूंगा। भी सभी विजयी प्रत्याशियों को, जो जिला पंचायत के अध्यक्ष बने, क्षेत्र पंचायत के अध्यक्ष बने, ग्राम प्रधान बने, क्षेत्र पंचायत समिति के सदस्य बने और ग्राम पंचायत के सदस्य भी बने हैं, उन सभी विजयी प्रत्याशियों को मैं सबसे पहले हृदय से बधाई देता हूं, उन सबका अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने लोकतंत्र की इस प्रक्रिया के साथ जुड़ करके आज वे लोग इस पूरी प्रक्रिया के साथ जुड़ करके उन्होंने जन विश्वास अर्जित किया और आज चुनाव की प्रक्रिया संपन्न होने जा रही है। पंचायत चुनाव, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की प्रक्रिया संपन्न होने जा रही है। मैं इस अवसर पर उन सभी विजयी प्रत्याशियों को हृदय से बधाई देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का, जिन्होंने कोरोना काल खंड में स्वयं के जान की प्रवाह के बगैर, एक तरफ कोरोना से जूझना, कोरोना में सेवा ही संगठन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अहर्निश प्रयास किया और दूसरी तरफ अपने अधिकृत प्रत्याशी को जिताने में योगदान दिया, चाहे वह ग्राम प्रधान का हो, क्षेत्र पंचायत का हो, जिला पंचायत अध्यक्ष का हो या फिर क्षेत्र पंचायत प्रमुख का हो, इन सब पर विजयी बनाने में जो योगदान दिया हमारे जनप्रतिनिधिगण हैं, हमारे सहयोगी मंत्रीगण हैं, प्रदेश के पदाधिकारी हैं, क्षेत्र समितियां हैं, जिला की हमारी जो कमेटियां हैं, मंडल के जो हमारे अध्यक्षगण हैं, इन सब ने जो योगदान दिया है, इन सब को भी मैं इस अवसर पर हृदय से उनका अभिनंदन करता हूं, उन्हें बधाई देता हूं इस विजय के लिए। उन सभी कार्यकर्ताओं का और इन सब के सामूहिक टीम वर्क का परिणाम है कि भारतीय जनता पार्टी ने इतना भारी समर्थन, कोरोना से जूझते हुए लड़ते हुए पंचायत चुनाव में इतना भारी समर्थन प्राप्त किया। राज्य निर्वाचन आयोग को मैं इस अवसर पर विशेष रूप से अभिनंदन करूंगा कि कोरोना के उस कालखंड में पंचायत चुनाव को 4 चरणों में उन्होंने संपन्न किया, जो मैंने आपको पहले ही बताया, 15 अप्रैल, 19 अप्रैल, 23 अप्रैल और 29 अप्रैल, इन 4 तिथियों में ये चुनाव सभी संपन्न हुए थे। और इसमें हमारे उत्तर प्रदेश के लगभग 10,12,395 मतदान कर्मियों ने इसमें भाग लिया था, 75 प्रेक्षक भी गए थे, 1,735 जोनल मजिस्ट्रेट गए थे, 11,561 सेक्टर मजिस्ट्रेट ने अपनी सेवाएं दी, 379 सहायक निर्वाचन क्षेत्र पंचायत सदस्य इसमें गए थे, 879 निर्वाचन अधिकारी क्षेत्र पंचायत सदस्य के लिए गए थे, 7,971 सहायक निर्वाचन अधिकारी क्षेत्र पंचायत सदस्य गए थे, 876 निर्वाचन अधिकारी ग्राम प्रधान के गए, सहायक निर्वाचन अधिकारी के रूप में 9,234 प्रभारी ग्राम प्रधान, 1,406 और सहायक ग्राम प्रभारी ग्राम प्रधान 3,094, यानी कुल 10,49,680, यानी 10.5 लाख
राज्य कर्मियों ने निर्वाचन आयोग के निर्देशन में इस पूरी चुनाव की प्रक्रिया को संपन्न किया है और इसमें ये सभी चुनाव इसके साथ संपन्न हुए हैं। इसमें अधिकारियों ने, कर्मचारियों ने, हमारे पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस के जवानों ने, पीएसी के जवानों ने, होमगार्ड के जवानों ने, इन सब की संख्या देखेंगे तो ये काफ़ी बड़ी संख्या होती है जिन्होंने इस पूरी निर्वाचन की प्रक्रिया को शांतिपूर्ण तरीके से, यानी लोकतंत्र के इस सबसे बड़े आयोजन को इतनी बड़ी संख्या में, जहां पर हम लोग 870,000 से अधिक जनप्रतिनिधियों का चयन कर रहे हैं, उस पूरी प्रक्रिया को संपन्न किया है। इन सभी अधिकारी कर्मचारियों ने को भी मैं हृदय से धन्यवाद दूंगा। इसमें से कुछ लोग कोरोना की चपेट में भी आए, कुछ लोगों ने कोरोना की चपेट में आकर के असमय कालकल भी थे, उन सब के प्रति भी मैं अपनी संपूर्ण उनके परिवारजनों के प्रति मैं अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। राज्य सरकार ने जैसे पहले ही व्यवस्था दी कि कोरोना कालखंड में जो भी कर्मचारी ट्रेनिंग से लेकर निर्वाचन ड्यूटी से लेकर या उसके बाद उस ड्यूटी के दौरान अगर वह संक्रमण की चपेट में आया है और दुखद मौत उसकी भले ही एक महीने के अंदर कभी हुई हो, तो उन्हें हम जो कंपनसेशन राज्य निर्वाचन आयोग ने पहले से तय किया था उस कंपनसेशन से आच्छादित करेंगे। और राज्य सरकार ने गाइडलाइन में संशोधन करने की के लिए निर्वाचन आयोग को कहा, निर्वाचन आयोग ने फिर अपने गाइडलाइन में संशोधन करने के बाद हमें उस प्रकार का प्रस्ताव बना के भेजा। राज्य सरकार उन सभी कर्मियों को उस प्रकार का कंपनसेशन भी दे रही है, उनके परिवार के सदस्यों को एक नौकरी भी दे रही है, लेकिन किसी की कमी पूरी नहीं की जा सकती है। उन सभी परिवारजनों के प्रति हमारी संवेदना है और ड्यूटी करते हुए जिन कर्मियों ने अपने आप को समर्पित किया, लोकतंत्र के इस महत्वपूर्ण स्तंभ को मजबूती प्रदान करने में अपना योगदान किया, उन सबको मैं विनम्र श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूं। राज्य निर्वाचन आयोग ने शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव संपन्न करने में जो योगदान दिया वो अत्यंत सराहनीय रहा और इतने बड़े चुनाव को बहुत शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न करना ये अपने आप मुझे लगता है जिस राज्य में लोकतंत्र को जाति, मत और मजहब के दायरे में बांट करके पेशेवर अपराधी और माफियाओं के सामने गिरवी रखने का प्रयास किसी कालखंड में होता था, आज वहां पर शांतिपूर्ण तरीके से प्रत्येक नागरिक और प्रत्येक दल चुनाव लड़ सकता है, बशर्ते जनता उसको न ठुकराए। और वे सभी लोग आज इस चुनाव में वह परिणाम भी सामने आ रहे हैं, ग्राम प्रधान के लिए, क्षेत्र पंचायत के लिए, जिला पंचायत के लिए हुए चुनाव उसी गरिमा को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। मैं इस अवसर पर एक बार फिर से आप सभी जो विजयी प्रत्याशी हैं, जिला पंचायत के भी और क्षेत्र पंचायत के भी, इन सबको मैं हृदय से अपनी बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं का, सभी जनप्रतिनिधियों का हृदय से अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने अहर्निश प्रयास करके एक सम्मानजनक विजय पार्टी के लिए उपलब्ध करवाई है और हर तबके के कार्यकर्ता को प्रतिनिधित्व करने का अवसर प्राप्त हुआ। आप देखेंगे कि जिला पंचायत में भी और क्षेत्र पंचायत में भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हर एक तबके के लोगों, कार्यकर्ताओं को, एक सामान्य कार्यकर्ता को मौका दिया गया। कोई प्रमुख बन रहा है, कोई जिला पंचायत अध्यक्ष बन रहा है, कोई जिला पंचायत का सदस्य बना है, कोई प्रधान बना है, कोई क्षेत्र पंचायत का सदस्य बना है, कोई ग्राम पंचायत का बना है। 870,000 से अधिक लोग लोकतंत्र की इस व्यवस्था के साथ जुड़ करके गांव तक विकास की प्रक्रिया को जुड़ने का काम के इस प्रक्रिया के साथ लगेंगे, एक बड़ा कार्य आज संपन्न होने जा रहा है। मैं इसके लिए उन सभी कार्यकर्ताओं की मेहनत को
और जिन सभी लोगों ने, जो पदाधिकारी, जो जनप्रतिनिधि, जो प्रशासनिक अधिकारी, जो पुलिस के अधिकारी, जो कर्मचारी, या जिन लोगों ने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से इस पूरी प्रक्रिया के साथ जुड़ करके इस पूरे कार्यक्रम को सफल संपन्न करने में अपना योगदान दिया है, उन सबको मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के परिणाम के बाद आने वाले समय में ये सभी त्रिस्तरीय पंचायत से जुड़ी हुई हमारी व्यवस्थाएं विकास की गति को और तीव्रता के साथ आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। और केंद्र और प्रदेश सरकार की मंशा के रूप आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश के विकास के लिए गांव के विकास को प्राथमिकता दी है, गांव को विकास की धुरी बनाया है। 14वें वित्त आयोग की रिपोर्ट के बाद विकास की योजनाओं के का केंद्र बिंदु ग्राम पंचायत बना है। ग्राम पंचायत का बढ़त काफी बजट बढ़ा है, क्षेत्र पंचायतों में और जिला पंचायतों में काफी रिफॉर्म हुए हैं, और विकास की प्रक्रिया के साथ जोड़ने के लिए जो एक आह्वान आदरणीय प्रधानमंत्री जी का है, उन सभी संकल्पों को हम आगे बढ़ाने में हमारी पूरी टीम, जो 770,000 से अधिक जनप्रतिनिधि चुने गए हैं, ये सभी लोग इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। मैं एक बार फिर से प्रदेश अध्यक्ष जी को, अपने प्रदेश पदाधिकारियों को, हमारे प्रदेश संगठन के महामंत्री जी जिनकी रणनीति में इस पूरी प्रक्रिया को प्रदेश संगठन ने आगे बढ़ाया है, इन सब का मैं हृदय से अभिनंदन करूंगा कि सरकार और संगठन की जो एक टीम थी, एक टीम वर्क था, ये टीम वर्क इस व्यापक परिणाम को लाने में हमें सफलता प्राप्त हुई है। मैं सभी विजयी प्रत्याशियों को एक बार फिर से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं, धन्यवाद, जय। माननीय मैं चाहूंगा कि निष्ठान माननीय बंसल जी मुख्यमंत्री जी को लड्डू खिला करके इस अवसर पर। जहां पर उन्होंने कहा पीएम मोदी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहे हैं, ये सीएम योगी की तरफ से कहा गया, जनता का रुझान और जनता को प्रचंड जीत की बहुत बहुत बधाई, ये उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से कहा गया। लगभग 635 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की है और जैसे जैसे नतीजे सामने आ रहे हैं वैसे वैसे ये आंकड़ा बढ़ेगा, ये सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से कहा गया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पीएम के मार्गदर्शन में लाभ मिला है, जो मंत्र दिया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, सबका साथ सबका विकास, उसी के तहत काम किया गया और तभी उत्तर प्रदेश की जनता को, बीजेपी को ये जीत हासिल हुई है। इस स्तर पर बीजेपी, हर स्तर पर बीजेपी की जीत हुई है, बीजेपी के कार्यकर्ताओं की जीत हुई है। कोरोना काल में भी बीजेपी कार्यकर्ताओं ने ताकत झोंकी थी और उसी का नतीजा है जो लगातार काम किया जा रहा था उसी का ये परिणाम है कि बीजेपी पीएम मोदी ने एक नारा दिया था, सबका साथ सबका विकास, ये सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से कहा गया। 635 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की है और जैसे जैसे नतीजे सामने आएंगे वैसे वैसे ये आंकड़ा बढ़ेगा, ये उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से कहा गया। पीएम के मार्गदर्शन में लाभ मिला है, जनता का रुझान बीजेपी की तरफ, ये सीएम योगी ने कहा। सभी विजयी प्रत्याशियों को जीत की बधाई। और एडिटर इन चीफ अनुराग चौधरी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अनुराग जी, जिस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ को हम सुन रहे थे, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इस जीत की जनता को बहुत बहुत बधाई और उन्होंने कहा कि बिना भेदभाव के सभी का कल्याण हो और तमाम जो विकास के काम किए गए बीजेपी की तरफ से उसी का ये परिणाम है जब इतनी बड़ी जीत हासिल हुई है, क्या कहेंगे? देखिए, बीजेपी एक नेशनल पार्टी है और अभी तक ऐसा देखने में नहीं आता था कि किसी भी जो लोकल चुनाव होते हैं और खास पर जो गांव की सरकारें होती हैं तो वहां पर बीजेपी इतना कीन हो जाए चुनावों को लेकर। दरअसल गांव की जो सरकार है इसमें जीत हासिल करके बीजेपी ये मैसेज देना चाहती थी कि किसी तरह की कोई भी नेगेटिविटी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ नहीं है। आपने देखा होगा कि जिस तरीके से जब कोरोना की दूसरी लहर आई थी तो उस वक्त एक सरकार के खिलाफ और पार्टी के खिलाफ एक परसेप्शन बन गया था कि अब जो भी चुनाव होंगे
वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जाएंगे। लेकिन बीजेपी ने इसको भी एक चैलेंज के रूप में लिया। हालांकि जो जिला पंचायत के नतीजे भारतीय जनता पार्टी के लिए अच्छे नहीं रहे, लेकिन अब डैमेज कंट्रोल तो भारतीय जनता पार्टी को करना ही था। तो जो जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव थे उसमें संगठन की तरफ से साफ तौर पर यह बात कही गई कि जिसका चुनावी मैनेजमेंट बहुत शानदार होगा जीतेगा। अब देखिए जो जिला पंचायत के चुनाव होते हैं उसमें धन और बल का भी प्रयोग होता है, तो ये बात किसी से छिपी नहीं है जी। तो जो एक उत्तर प्रदेश में कल्चर रहा है पहले बसपा और समाजवादी पार्टी के टाइम में जिस तरह की कार्यशैली रही है, कमोवेश भारतीय जनता पार्टी की जो निचले स्तर के कार्यकर्ता थे तो उन्होंने भी वही रणनीति अपनाई और जिला पंचायत अध्यक्ष के जो पद थे वो बहुमत ना होने के बावजूद भी, अधिक वोट ना होने के बावजूद उन्होंने जीते। ब्लॉक प्रमुख के जो चुनाव थे इसमें भी संगठन ने एक बाकायदा अपनी रिपोर्ट बनाई, जगह जगह अपने सर्वे उन्होंने कराए और कैसे इस चुनाव को में जीत हासिल की जाए एक पूरा उसका उन्होंने एक चक्रव्यूह बनाया और उस चक्रव्यूह में अंततः वो विजय भी हुए। और तो कुल मिलाकर जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है वो भी इन छोटे चुनाव को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित थे और उनको बड़ा इंटरेस्ट आ रहा था। मुझे याद है जब वो सांसद हुआ करते थे गोरखपुर के, तो उस वक्त भी हालांकि पार्टी इतना ध्यान नहीं देती थी चुनाव में, लेकिन लोकल स्तर से हर सांसद हर विधायक इन छोटे चुनावों में इंटरेस्ट लेता था। तो उसी तरह की रुचि मुख्यमंत्री ने इस मुख्यमंत्री होते हुए इस बार दिखाई और संगठन और सरकार का जो एक गठजोड़ रहा, एक दोनों ने एक लाइन रखी, उसका ये नतीजा था कि भारतीय जनता पार्टी ने ज्यादा वोट्स ना होते हुए भी जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में बढ़त बनाई और वही हाल ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में रहा। तो कुल मिलाकर संगठन और सरकार बेहद उत्साहित है और उन्होंने पूरा इसका एक जश्न मनाने की घोषणा की। हालांकि विजय जुलूस नहीं निकाले जाएंगे लेकिन पार्टी और जो संगठन है उसमें बड़ा अच्छा मैसेज ये गया है। और आपने देखा होगा जब जिला पंचायत अध्यक्ष के नतीजे उत्तर प्रदेश में आए थे तो किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, अमित शाह ने और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ट्वीट करके मुख्यमंत्री योगी को और संगठन को बधाई दी थी। तो अभी आप देखिएगा कुछ देर बाद फिर से ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में दिल्ली से कुछ ट्वीट मुख्यमंत्री योगी के और संगठन के समर्थन में आएंगे जी। बिल्कुल, लेकिन जिस तरह से अनुराग जी अगर हम बात करें, क्योंकि बेहद शानदार जीत और लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ ये भी कह रहे हैं कि जो तमाम बीजेपी की तरफ से काम किए गए, हमारी सरकार ने जो तमाम विकास के काम किए और जो हमारा एक नारा है सबका साथ सबका विकास, उस पर काम किया गया तभी ये वजह है और यही वजह है कि ये परिणाम स्वरूप हमें मिला है, शानदार जीत मिली है। देखिए जो जिला पंचायत सदस्य के चुनाव थे उसमें ज्यादा सीटें भाजपा नहीं जीत पाई और अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास अब कहने के लिए निश्चित तौर पर ये शब्द है, क्योंकि जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव उन्होंने पद के चुनाव उन्होंने जीते और अब ब्लॉक प्रमुख के उन्होंने चुनाव जीते। सबका साथ सबका विकास करने के लिए बहुत सारी योजनाएं मुख्यमंत्री की चल रही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। जिले जिले में जो उनके अधिकारी हैं और जो सेंट्रल और स्टेट की जो योजनाएं होती हैं उनका कोऑर्डिनेशन बेहद गजब है, जो लाभार्थी हैं वो योजनाओं का पूरी तरह से लाभ उठा रहे हैं, तो इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। लेकिन वहीं विपक्ष की अगर हम बात सुने भारतीय जनता पार्टी की जीत पर, तो विपक्ष ने कहा है कि जितनी गुंडागर्दी भारतीय जनता पार्टी ने इन चुनाव में की है इतनी भारतीय जनता पार्टी से उम्मीद नहीं थी। डीएमएसएसपी ने बिल्कुल आंखें मूंद ली थी और ये सच्चाई भी है। आप देखिए कि किस तरह से आज हमीरपुर में गोलियां चली, बम चले, इटावा में जो एसपी थे उन्होंने कह दिया कि भाई एक विधायक एक सीट के लिए क्या एसपी को थप्पड़ मारेंगे। बिल्कुल, तमाम आरोप भी पार्टी पर लग रहे हैं, सुबह से ही हम देख रहे हैं क्योंकि जिस तरह से तस्वीरें सामने आ रही हैं उसको देखते हुए तमाम आरोप भी पार्टी पर लग रहे हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो सबका साथ सबका विकास सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से कहा गया, ये मंत्र हमें दिया गया और उसी पर हमने काम किया, उसी के परिणाम स्वरूप ये जीत हमें हासिल हुई है। पीएम के नेतृत्व में ब्लॉक प्रमुख चुनाव जीते हैं, ये सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से कहा गया। तो जनता का रुझान बीजेपी की तरफ है, सीएम की तरफ से कहा गया सभी विजयी प्रत्याशियों को जीत की बहुत बहुत बधाई, इस जीत के लिए सभी कार्यकर्ताओं को बधाई। लेकिन इन सब के बीच सुबह से तस्वीरें भी तमाम सामने आई हैं और न्यूज़ वन इंडिया ने हर वो तस्वीर दिखाई है जहां पर
मतदान के दौरान, मतगणना के दौरान बवाल हुआ है और कई बार हमने देखा कि किस तरह से लाठी डंडे चले। बीजेपी और सपा के कार्यकर्ता आमने सामने भी थे। ऐसी तमाम तस्वीरें भी न्यूज वन इंडिया आज आपके लिए लेकर आया था और तमाम तस्वीरें हमने हर बड़ा अपडेट आपको दिखाया। और मैं उन्नाव से बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। उन्नाव पत्रकार की पिटाई के मामले में बवाल अब बढ़ गया है। पत्रकार की पिटाई मामले में बवाल बढ़ा है। ब्लॉक मियागंज परिसर में यह बवाल बढ़ा है। पिटाई के बाद सभी पत्रकार धरने पर बैठे हैं। तो जिस तरह से पिटाई की गई उसके खिलाफ यहां सभी जो पत्रकार हैं वो धरने पर बैठे हैं। बीजेपी समर्थकों के साथ मिलकर सीडीओ ने पिटाई की। पत्रकार के पिटाई मामले में बवाल अब बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ब्लॉक मियागंज परिसर में यह बवाल बढ़ा है। पिटाई के बाद सभी पत्रकार धरने पर बैठे हैं। पिटाई के खिलाफ जो बदसलूकी की गई है उसके खिलाफ सभी पत्रकार धरने पर बैठे हैं। बीजेपी समर्थकों के साथ मिलकर सीडीओ ने पत्रकार को पीटा है। तो पत्रकार के पिटाई मामले में बवाल अब बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ब्लॉक मियागंज परिसर में ये बवाल बढ़ा है। बीजेपी प्रत्याशी और सीडीओ के खिलाफ धरना। और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज वन इंडिया के साथ। नमस्कार।